पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए, धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं हवा निकल गई उनकी। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। बेरोजगारी पे दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पर बैठा है। नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता खारगे जी, शरद पवार जी, येचुरी जी और बाकी अलायंस के नेता, सब पार्टियों के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, दिल से आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं हवा निकल गई उनकी, वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए, अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी, देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं
ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला, 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर। जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं, 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है, नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया, यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया, अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए, बेरोजगारी पे दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह की वबरकातुह। अजीज़ साथियों, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर सुना है कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन पर लोग लगे हुए हैं, उसमें राहुल गांधी जी भी चर्चा पर हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अभी जो मेरे दोस्तों वहाँ जो दो तीन लड़के यानी नफरती वहाँ कूदे और आलू गैस के छोड़े वहाँ, उसको लेकर के राहुल गांधी कहते हैं कि आज बीजेपी क्या कर रही है, और उस वक्त बीजेपी के नेता वहाँ से सारे उठ कर करके चले गए और कितने एमएलए को जो है इन्होंने खारिज कर दिया गया है। बहरहाल मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो में खुद सुन सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और बीजेपी को निशाना बना रहे हैं और किस तरह से आज हमारी पार्लियामेंट भी हिंदुस्तान की गोया के हमारे मेरे दोस्तों कैसी ये स्थिति हो चुकी है कि आज पार्लियामेंट भी जो है इन दंगाइयों से जो है वो महफूज नहीं है। बहरहाल आप वीडियो देख सकते हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।